अगर तुमको x का पावर m का कोफिशिएंट चाहिए और ये x प्लस वन बाई एक्स का पावर n है, तो हमने क्या बोला था आपको कि अगर एक ठो वन रहेगा तो केवल जो अगला है उससे डिसाइड हो जाएगा, उसके पावर से डिसाइड हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर m क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि इसमें से x जबरदस्ती कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बचेगा और पूरा पे पावर n रहेगा। तो ये जो x ये पावर n है वो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो अब जरा बताओ कि कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर m n, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, x टू द पावर n इंटू वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर n, यही है ना। अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हें x का पावर m का कोफिशिएंट चाहिए तो एक चीज़ याद कर लो, जो चीज़ हम बोल रहे हैं पहले एग्जांपल से समझो। जैसे तुम्हें x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए x इंटू वन प्लस एक्स का पावर क्यूब में, अगर तुमको क्या चाहिए x का पावर टू का कोफिशिएंट चाहिए तो तुम अंदर से कितना बाहर निकालोगे, अंदर से किस चीज का कोफिशिएंट निकालोगे जो इससे मल्टीप्लाई होके वो बन जाए x का। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, यहां वन है यहां टू है, टू माइनस वन इन वन प्लस एक्स का पावर थ्री, क्या ये सही है। अगर हमको कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 10 चाहिए इन x क्यूब इंटू वन प्लस एक्स का पावर 100, तो अंदर से कितना का चाहिए अगर बाहर में x क्यूब छुपा हुआ है तो। अगर हमको x का पावर 10 का कोफिशियंट चाहिए तो अंदर से कितना का क्या निकालेंगे, किस चीज का कोफिशियंट जो x क्यूब से मल्टीप्लाई होकर x का पावर 10 दे, x का पावर 7 का, क्या सही बोल रहे हैं हम। तो कोफिशियंट ऑफ x का पावर 10 माइनस 3 इन 1 प्लस x का पावर 100, समझ में आया बात, बात आ गया समझ में। अरे भाई तुम पहले ही बोलो ना, ये जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आया तुमको, बस इतना समझो, अभी उधर हम गए भी नहीं किए, अब ना जाएंगे। अब हमको देखो यहाँ पे, तुमको यहाँ दो है तो टू माइनस वन किए, टेन था थ्री था तो टेन माइनस थ्री किए। तुमको अगर x का पावर m का कोफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ x का पावर n इंटू वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, किस चीज़ का कोफिशिएंट लिखना चाहिए, हाँ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m माइनस n इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का पावर n, बस इसमें टेंशन क्या लेना है। अब तुम बताओ कि यहाँ पे 1 है, जो लोअर सफिक्स दोगे c का जो लोअर सफिक्स दोगे वो 1 बाई एक्स स्क्वायर पे पावर बनाएगा। अब तुमको तुम सोचो कि तुमको x का पावर m माइनस n का कोफिशिएंट चाहिए तो अंदर से क्या बाहर लेना चाहिए, c पे लोअर सफिक्स क्या देना चाहिए, हम जो दे रहे हैं वो बताना सही है कि नहीं। पहले वो छोड़ो, ये देखो एन सी यहाँ पे जो भी दोगे, एन सी यहाँ पे जो भी दोगे वन बाई एक्स स्क्वायर पे वही आएगा, ये तो कन्फर्म है। एन सी यहाँ पे जो भी दोगे वही वन बाई एक्स स्क्वायर पे पावर जाएगा, क्लियर है ये बात। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको अगर x का पावर m माइनस n चाहिए तो तुम्हें क्या इसमें क्या लिखना चाहिए, बोलो क्या,
ना ना गलती बोल रहे हो, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है पता है ना। अच्छा छोड़ो 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 वो छोड़ो, ऐसे देखो एन सी बॉक्स एक्स का पावर माइनस टू, एक्स का पावर माइनस टू और उस पर पावर देना है तुम्हें यहाँ वाला। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि तो एम माइनस एन चमकेगा, तो एम माइनस एन अबाई टू माइनस टू ना, तब ना माइनस टू से माइनस टू कटेगा, नहीं समझे क्या? इसका मतलब सी का लोअर सफिक्स डिसाइड हो गया, यहां से क्या होगा तो ऐसे कर लो ना, ए एम माइनस एन बाई माइनस टू है तो कोफिशियंट, अब ये तो कट ही जाएगा ना माइनस माइनस टू, कोफिशियंट केवल चाहिए तो कोफिशियंट कितना हो गया आंसर एन सी एन माइनस एम बाई टू। क्या ये सही है? इस माइनस को इधर भेज दिए, एन माइनस एम बाई टू यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया क्या? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टोरियल में आंसर दिया है तो ऊपर का n फैक्टोरियल लिखे, n माइनस एम बाई टू है इसका फैक्टोरियल लिखे, फिर दोनों का डिफरेंस तो n माइनस एम बाई टू का फैक्टोरियल, यहाँ वन है ना तो एलसीएम टू एन हो जाए, टू होगा तो टू एन माइनस एन, एन होगा अब माइनस माइनस प्लस एम होगा, यही आंसर दिया है। हाँ बस हो गया, चले ये क्वेश्चन हो गया। और कोई डाउट है किसी का? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 50 आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर 999, फिर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 998 प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर 1000। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली 1 प्लस एक्स का पावर 1000 से 1 प्लस एक्स का पावर 999, 1 प्लस एक्स का पावर 998 घटते जा रहा है, तो लास्ट में एक्चुअली हुआ क्या होगा, 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो गया होगा घटते घटते जीरो हो गया होगा, तभी तो वन हो गया, वो नहीं समझ रहे हो आप। हाँ और एक क्या हो रहा है जरा सोचो, एक हो रहा है ऐसे, एक्स का पावर जीरो से स्टार्ट हुआ, एक्स का पावर वन हुआ, एक एक्चुअली बढ़ रहा है और एक एक्चुअली घट रहा है। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सबसे पहले ये बात, तो क्या बताओगे आप? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक ही से डिसाइड हो जाएगा। अगर तुम x का पावर 1 से स्टार्ट किए हो, फिर x2 गया है, फिर x3 गया है, x का पावर 1000 गया है, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हो गए? एक तो ये टर्म्स, तो n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तुम्हारे 1000। दूसरा चीज कि ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमको बताना है, सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है, ऐसे तो हम तुरंत तुरंत बता देंगे। इसमें अगर हर एक टर्म से हम कोफिशियंट निकालते जाएंगे, जैसे x का पावर 50 का कोफिशियंट चाहिए, इसमें ढूंढ लेंगे, इसमें ढूंढ लेंगे, इसमें ढूंढ लेंगे, लास्ट में ढूंढ लेंगे। लेकिन आफ्टर सिंप्लीफाइंग करने, देखिए दोनों तरीका से हम बता देंगे आपको, पहले सिंप्लीफाई करके बता देते हैं और फिर विदाउट सिंप्लीफाइंग करके भी हम बताएंगे। देखते हैं इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 1000 है ही। दूसरा चीज इसको पकड़िए कि ये जो सम है वो किस चीज का सम है, जीपी का सम है ये, क्योंकि इसमें से इसको डिवाइड करोगे आप, इसको इससे डिवाइड करोगे
तो जरा सोचो क्या बचेगा, x बाई वन प्लस एक्स बचेगा, बोलो। इसको इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर में एक्स कट, इसको ऐसे लिखो, यहां नीचे लिखो, एक्स एक्स कटेगा एक ठो, और यहां नीचे में बचेगा वन प्लस एक्स, अगला में भी एंड सो ऑन। तो कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, कॉमन रेशियो आ गया एक्स बाई वन प्लस एक्स। क्लियर है? फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा, फर्स्ट टर्म अ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी बताइए, फॉर्मूला। हम जानते हैं कि आप लोग भूल गए होंगे, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ये जीपी का जो फॉर्मूला है ना, आपको प्लस टू तक छोड़ेगा नहीं, और जो इन्फिनिटी टर्म तक का सम होता है वो भी याद रखिएगा, ए इंटू वन माइनस आर, ना ना ए बाई वन माइनस आर। कॉमन रेशियो हमेशा वन से छोटा होता है, इसलिए वन से घटाया जाता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला वो है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो यहाँ ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया तुम्हारा वन प्लस एक्स टू द पावर ये थाउजेंड। फिर है ब्रैकेट में आर का पावर एन माइनस वन, तो आर तुम्हारा है एक्स बाई वन प्लस एक्स, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया आर, उसका पावर एन। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 1001 और माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये गलती कर दिया है हम, ये एक्स बाई वन प्लस एक्स ऐसे था, और ये आर माइनस वन का मतलब हो गया एक्स बाई वन प्लस एक्स माइनस वन। सही है जी, बोलिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा ये वन प्लस एक्स का पावर थाउजेंड, इसको तो आप क्या कर सकते हो, एक्स का पावर वन थाउजेंड वन माइनस वन प्लस एक्स का पावर वन थाउजेंड वन, एलसीएम लेके कर दिए, और नीचे वाला जो एलसीएम आएगा वो वन प्लस एक्स यहाँ आएगा, और यहाँ से आपका एक्स, और यहाँ से आपका माइनस वन माइनस एक्स। क्या हमने सही किया है, बोलिए। एक चीज छूट गया है, वन प्लस एक्स का पावर वन थाउजेंड वन एलसीएम जो रहेगा वो तो रहेगा ना जी, वन प्लस एक्स का पावर वन थाउजेंड वन ये रहेगा। अब ठीक है, और सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करें, ये एक से एक्स कट जाएगा, इस माइनस वन को ऊपर से फ्लिप कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख के, बोलिए ना। और ये वन प्लस एक्स यहां से घट के कितना हो जाएगा, देखिएगा, हम लिखने जा रहे हैं फिर से, फिर मिटा के सब लिखेंगे, एस एन बराबर वन प्लस एक्स टू द पावर वन थाउजेंड वन माइनस एक्स टू द पावर वन थाउजेंड वन डिवाइडेड बाई बताइएगा वन प्लस एक्स टू द पावर, यहाँ से देखिए कैलकुलेट होके वन थाउजेंड होगा, और वन थाउजेंड में से फिर हंड्रेड आप घटाओगे। सही है, तो 100 घटाओगे कितना बचेगा, अरे 900 बचेगा, 1000 में से 100 घटाओगे तो 9000 बचेगा ना। सही तो है, कोई गलती नहीं है। अब क्या करो, इसको मिटा सकते हैं,
क्या फिर से बोलिए, तेज बोलिए। क्या यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल तुम सही बोल रही हो, ये 100 कैसे हो गया, ये 1000 था, तो ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू बताने के लिए, नहीं तो फिर पूरा करना पड़ता फिर से। चलिए ये हो गया आपका ये सम, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, बोलिए ना। अब हम इसको मिटाएंगे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप प्रिंट कर सकते हो। रुक जाए कि मिटा दें, किसी को आपत्ति है कि मिटाएं, बोलिए। चलिए अब जब ये सिंप्लीफाई होके आ चुका है तो हमको कोफिशियंट किसका चाहिए, कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001। ठीक है, सही है ना, बोलिए। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या इसके एक्सपेंड होने के बाद ये जब मैनेज होगा इसके साथ तो क्या कोफिशिएंट में कोई फर्क डाल पाएगा भाई? इसको हम एक्सपेंड कर दिए, ये माइनस में एक्स का पावर 1001 रहेगा, वो एक्स का पावर 50 को क्या डिस्पैच कर पाएगा, इधर उधर कर पाएगा, कोई फर्क नहीं डालेगा नहीं। तो x का पावर 50 का कोफिशियंट इसमें निकालो, या कोफिशियंट x का पावर 50 इन ओनली 1 प्लस x का पावर 1001 निकालो, कोई फर्क नहीं है जी। अब बता दो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1001c 50 नहीं होगा, क्यों राजू समझ गए? और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपका? सर उस दिन आप नहीं बताए थे इनटू वाला, कौन इनटू वाला बे? मतलब दो तो बाइनोमियल है उसको इनटू करके और उसमें से कोएफिशिएंट निकालना है, तो पूछो ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो ना, मेरे पास भंडार है। भेजे हैं 42 नंबर। अच्छा देखते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते जैसे इन्होंने बनाया वैसे हम नहीं बनाते हैं। इन्होंने कैसे बनाया इसको देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 चाहिए इन्हें, इन्होंने पहले इस अंदर ही अंदर इसको सिंप्लीफाई किया, जैसे 1 प्लस एक्स, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, फिर ये होल पावर 11, अब फिर से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, इसमें 1 बचा, इसमें एक्स स्क्वायर बचा, इसका होल पावर 11। अब जरा सोचो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर कितना 4 इन 1 प्लस एक्स का पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 11, यही बोल रहे हो ना? चलो ठीक है, अब तुम खुद डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो कि तुमको अगर x का पावर 4 बनाना है तो कैसे कैसे बना सकते हो। इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में होगा जब एक्सपेंड हो जाएगा। चलो जरा सा एक्सपेंड कर भी देते हैं इसको, मतलब फील आने के लिए बस, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 इन, मैंने इसको दो मेथड से बताएंगे, इसका पिछला क्वेश्चन भी बोले थे मेथड 2 से बनाने के लिए, आप याद दिलाइएगा, कोशिश करेंगे।
कोफिशेंट ऑफ एक्स का पावर 4n, इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये 11c क्या होगा, 0 प्लस 11c 1x प्लस 11c 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 11c 11x 11। क्या ये सही है जी? फिर अगला जो होगा इसको जब करोगे तो क्या होगा, 11c 0 प्लस 11c 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11c 2 एक्स का पावर 4 प्लस 11c 3 एक्स का पावर 6 प्लस 11c 4 एक्स का पावर 8 एंड सो ऑन 11c 11 एक्स का पावर 22। क्या ये सही है यहाँ तक? क्यों पावर गड़बड़ हो रहा है एक्स स्क्वायर के चलते? आप जब वन दोगे तो उस पर दो पड़ेगा, दो दोगे तो दो दुना चार हो जाएगा, तीन दोगे तो तीन दुना के छः हो जाएगा, चार दोगे चार दुना के आठ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब जरा सोचो अपने कॉमन सेंस से कि 11c 0 का भी इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, फिर प्लस, फिर 11c 1x का भी मल्टीप्लाई होगा उसमें टोटल में प्लस, फिर 11c 2x स्क्वायर का भी सारे में मल्टीप्लाई होगा। क्या तुम्हें सारे की ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने के बाद, कि केवल x का पावर 4 के कोफिशिएंट का ज़रूरत है? तो मेरा जो मोटो है, मेरा जो उद्देश्य है, वो किस पे काम करेगा कि कैसे x का पावर 4 अंदर से बनेगा, जितने पॉसिबल x का पावर 4 आएंगे उसको ले लेंगे, जितने भी पॉसिबल x का पावर 4 बनेंगे अंदर से उसको खींच लेंगे। अब जरा सोचो कि 11c 0 का मल्टीप्लाई उसके किस टर्म में होगा तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट बना सकता है। नहीं नहीं नहीं, 11c 2 में होगा, हमको x का पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर बराबर 11c 0 इंटू 11c 2, बस 11c 2, क्योंकि हमको x का पावर 4 नहीं चाहिए। आया समझ में? फिर 11c 1 का मल्टीप्लाई ढूंढो किसमें करेंगे तो 11 माने x का पावर 4 बनेगा। 3 चाहिए ना अंदर से, अरे x का पावर 1 है तो x का पावर 3 चाहिए ना अंदर से। क्या मिलेगा कभी? तो ये फालतू चीज है, ये मिलेगा ही नहीं, इसको लिखेंगे ही नहीं। अगला पे देखो, 11c 2 एक्स स्क्वायर अंदर से क्या लेंगे तो मिलेगा, 11c 1। फिर इधर से क्या होगा, 11c 3, 11c 3 के लिए उधर से चाहिए x का पावर 1 का कोफिशिएंट, मिलेगा क्या? तो 11c 4 पे आ जाओ, 11c 4 अंदर से क्या चाहिए, 11c 0। अब जरा बताओ 11c 5 लेंगे तो बनेगा, इधर ही x का पावर 5 आ जाएगा और उधर से x का पावर निगेटिव नहीं आ रहा जो कैंसिल आउट करके x का पावर 4 करेगा, उधर भी x का पावर इंक्रीजिंग ही है, तो अब x का पावर 4 का कोफिशिएंट आ सकता है। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा कितना, 11c 0 का वैल्यू 1, 11c 2 का वैल्यू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 11c 2 का वैल्यू अगेन से जाइए 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 11c 1 का वैल्यू 11 प्लस 11c 4 का वैल्यू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 11c 0 का वैल्यू 1। अबे प्रभात माइक बंद कर, तेरे ही माइक में किर 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 आता है। ये 25 जा, ये 25 जा, चार दुना के आठ खत्म, 3 जा 9, कितना हुआ जी यहाँ से 55 प्लस, यहाँ से देखो कितना होगा,
121 होगा क्या? अरे 11 में अगर 5 का गुना करते हैं तो 55 और 11, 11 पाँच 55, 11 पाँच 55 और 5 कितना होता है? 60, 605 सही है क्या? सही है क्या? प्लस उधर से देखो कितना आएगा, 11 3 33, 330, 330 आएगा क्या? बोलो, तो अब इसको ऐड करके देख लो, आंसर आ गया। 5 5 10 को 0, 5 3 8 और 1 9, 6 और 3 9 990 आया। एक मल्टीनोमियल से भी बनता है, अरे बेटा सुन ना पहले, वेट तू वेट नहीं करता, तेरे पास मैंने बोले ना तू पगला जाता है 2 मिनट में। हम बोले ना कि एक और मेथड से बनाएंगे, मेथड टू देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें तुम्हें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो जो वर्किंग रूल बता रहे हैं अगर वैसे करोगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का थ्योरी तुम्हें नहीं मालूम है कि कैसे सोचा जाता है, तो इसीलिए हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश पहले करोगे। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? मिटा देना, आंसर याद रखना 990। बस ये देखो कि x का पावर अगर 4 का कोफिशिएंट तुमको चाहिए तो इस सब पे पावर तुमको क्या ऐसा देना है, देखो 1 पे भी पावर देना है, x पे भी पावर देना है, एक्स स्क्वायर पे भी पावर देना है, एक्स क्यूब पे भी पावर देना है, और ऐसा पावर देना है कि टोटल पावर 11 हो। जोड़ने पे टोटल पावर कितना हो जी? 11, लेकिन x का पावर 4 ही आए, x के पावर 4 ही आए, पहले ये डिसाइड करो। तो क्या इस पे पावर n1 बोल दो, इस पे पावर n2 बोल दो, इस पे पावर n3 बोल दो, इस पे पावर n4 बोल दो। बस सुनो पहले, समझ में आएगा कुछ देर के बाद। पावर n1 दो, n2 दो, n3 दो, n4 दो। ध्यान रहे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 11। साथ ही साथ x पे पावर क्या आना चाहिए? 4। ये भी याद रखना, जो चाहिए तुमको। तो अब जरा सोचो कि सबसे मैक्सिमम पावर से सोचो, अगर हम लोग x3 पे पावर, याद रखना जितना पॉसिबल आउटकम्स है वो सब लिखना है। 1 है x, ऐसे ही लिखो रहने दो, 1 है प्लस x है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब है। अब जरा सोचो कि अगर इस पे पावर अगर हम 1 दे दें, एक्स पे पावर 3 पे 1 दे दें, मतलब n4 का वैल्यू अगर हम 1 दे दें तो क्या एक्स क्यूब आ जाएगा? बोलो। तो n2 का वैल्यू हमको कभी भी 1 नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 और 2 5 बना देगा, x का पावर 5 बना देगा। तो n2 का वैल्यू 0 दे देते हैं। फिर अब बताओ, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर का पावर n3 था ना, तो n3 का वैल्यू 0 दे देते हैं और n2 का वैल्यू क्या दे देते हैं? 1। तो क्या यहाँ पे एक्स क्यूब पे पावर जब हम 1 डालेंगे तो 3 आएगा और n2 जब 1 रहेगा तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। लेकिन क्या n1 n2 n3 को जोड़ने पे ये 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना,
101, 2 ही ना आ रहा है अभी, तो कितना बचा 9, तो n n1 पे पावर यानी 1 पे पावर क्या दे दो 9, उससे x पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, समझ गए नहीं समझे? पहले जो था क्या हम बोले थे कि n1 n2 n3 n4 जो है x 1 पे x पे x स्क्वायर पे x क्यूब पे पावर है, बस ये ध्यान दो कि n1 plus n2 plus n3 plus n4 का वैल्यू टोटल 11 होना चाहिए, और ये ध्यान रहे कि x पे पावर 4 जाना चाहिए। तो क्या ये एक पैटर्न सही है कि नहीं? अगर हम n1 n4 का वैल्यू 1 डाल दें, यहाँ पे पावर n4 है 1 डाल दें, n3 का वैल्यू 0 डाल दें, n2 का वैल्यू 1 डाल दें, तो अगर तुमको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो यहाँ लिख लो, यहाँ n1, यहाँ n2, यहाँ n3 और यहाँ n4। अब n4 का वैल्यू 1 डाले, n3 का वैल्यू 0 डालिए, तो ये तो 1 हो जाएगा। इस n2 का वैल्यू अगर तुम 1 डाले, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो बेसिकली 3 और 1 4 तो हो ही रहा है ना x पे पावर, और इस पे 1 पे कितना भी पावर चला जाए x का पावर थोड़ी बढ़ाएगा, तो x का पावर 4 भी बन रहा है, और n1 n2 n3 n4 को जोड़ रहे हैं तो 9 भी बन रहा है, सॉरी 11 भी बन रहा है, सही है? बोलो, ये पहला सेट हुआ। दूसरा सेट और क्या कर सकते हो? क्या हम n4 का वैल्यू अगर 2 डाल दें, तो जरा सोचो, ये यही x का पावर 6 कर देगा, तो क्या x का पावर 4 मिल पाएगा? तो ये सेट कैंसिल हो गया, ये नहीं हो पाएगा। तो n4 का वैल्यू अब हम 2 नहीं डाल सकते हैं, तो 3 भी नहीं डाल सकते हैं, 4 भी नहीं डाल सकते हैं, तो अब हम n4 का वैल्यू 0 डाल सकते हैं। n4 का वैल्यू 0 तो डाल ही सकते हैं ना, ध्यान रहे कि n1 n2 n3 सब इंटीजर भी होना चाहिए। n1 n2 n3 n4 जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब 2 3 4 तो डाल नहीं सकते हैं, तो 0 डाल सकते हैं। तो n4 का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x का पावर कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब x पे कोई पावर नहीं आएगा। तो जरा सोचो कि n3 का वैल्यू क्या दे दें, 2 दे देंगे तो हो जाएगा 4। अब जरा n2 का वैल्यू बताओ, n2 का वैल्यू 0 डालना चाहिए, बोलो ना, क्योंकि यही n3 अगर 2 डाल दिए तो 2 दूना 4 तो मेंटेन हो गया। अब इस पे कुछ पावर दे दोगे तो x का पावर 4 बढ़ जाएगा ना, तो n2 का वैल्यू 0 डालना चाहिए, बाकी सब हम n1 से मेंटेन करेंगे। कितना हुआ टोटल? 2 हुआ, तो n1 का वैल्यू क्या डालना चाहिए? 9। क्या ये समझ में आया? तीसरा सेट अगर कोई लड़का बोल रहा है कि सर n4 का वैल्यू 0 डालो और n3 का वैल्यू सर आप 1 डालो, आप 2 डाले थे ना, अच्छा 3 डाल सकते हैं क्या? n3 का वैल्यू 3 डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं कि नहीं? 1 डाल सकते हैं, कम है ना, कम होगा तो अगला से मेंटेन कर लेंगे, कम है तो अगला से मेंटेन कर लेंगे। अब अच्छा n2 का वैल्यू क्या डालना चाहिए ताकि x का पावर 4 कंप्लीट हो जाए? n2 x पे है, क्या डालना चाहिए? 2 डालना चाहिए, 2 डालना चाहिए। अब जरा आप हमें बताओ कि बचा कौन? n1 का वैल्यू क्या डालना चाहिए? 2 और एक 3, क्या डालना चाहिए? 8, तभी तो 11 होगा टोटल। चौथा सेट हम क्या कर सकते हैं? n4 का वैल्यू 0, n3 का वैल्यू आप 1 डालो और n2 का वैल्यू आप 0 डाल दो, चाहे 1 डाल के देखो,
एन वन तो कभी एक्स के पावर को डिसाइड नहीं करेगा, ये बात पक्की है, और इससे भी हमने कराना बंद कर दिया है। तो ये दोनों से हम लोग क्या क्या पॉसिबल कर सकते हैं। तो इस पे पावर अगर हम वन दिए और इस पे पावर टू दिए तो चार मेंटेन हो गया। अब एन एन थ्री का वैल्यू बस इसके अलावा कोई और नहीं दिख रहा हमको शायद, आप लोगों को अगर कोई दिख रहा है तो बताइए। हाँ ये हो सकता है कि एन थ्री का वैल्यू अभी हम तक जीरो नहीं ना डाले हैं, एन थ्री का वैल्यू वन के बाद तो और पॉसिबल नहीं ना है। अगर हम एन थ्री का वैल्यू वन डाल दें और इसके अलावा कोई एक्स तो मेंटेन नहीं करेगा, तो अब एन थ्री का वैल्यू जीरो कर देते हैं जी। अब ठीक है, एन थ्री का वैल्यू जीरो हो गया, एन फोर का वैल्यू जीरो हो गया, तो अब बताओ एन टू का वैल्यू डायरेक्ट अब हमको चार डालना चाहिए और एन वन का वैल्यू अब सात। ठीक है बोलो। तो क्या इसके अलावा और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अब देखो इतना पहले पता किया जाता है कैसे कैसे होगा सोच सोच के, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन बनाने का क्या रूल है वो देखो, इसको मिटाएंगे हम, ये सोचने वाला तरीका था बस। अब देखो अभी हम जो बता रहे हैं ये यही तक था ना, ठीक है। ये एन टू का, अच्छा सॉरी सॉरी, इस पे एन एन वन डाले थे ना, इस पे एन टू था और इस पे एन थ्री और इस पे एन फोर, ये सही है ना, यही पैटर्न था ना। बोलो ना। अब सुनो, सबसे पहले जो 11 दिख रहा है उस 11 का फैक्टोरियल लिखते हैं, और जो n1 n2 n3 है, देखो ध्यान से हम जो बोल रहे हैं क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल जितना भी है, और फिर x पे पावर n1, x2 पे पावर n2, x3 पे पावर n3, सॉरी x पे ही है ना सब, तो ना ना गलती बोल रहे हैं, पहला टर्म जो है उस पे पावर n1, दूसरा है x उस पे पावर n2, तीसरा है हमारा x3 x स्क्वायर इस पे पावर n3, और ये है x क्यूब इस पे पावर n4, यही फॉर्मूला है जितना पॉसिबल आउटकम हो वो। एन क्या होता है 11, तो 11 फैक्टोरियल बाई, पहला केस क्या था जरा बताओ, एन वन फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, फिर एन टू फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, एन थ्री फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, एन फोर फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, और पहला जो 1 लिखा है देखो यहाँ 1 है, इसी को हम बोल रहे थे तुम्हें, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, यही x1 x2 x3 x4 का काम कर रहा है। तो 1 पे पावर कितना n1, फिर x पे पावर कितना 1, फिर x स्क्वायर पे पावर कितना 0, फिर देखो x3 पे पावर कितना 1, फिर प्लस प्लस, फिर दूसरा वाला लिखेंगे ये वाला, वही कहानी उसी फार्मूला में, n फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, दूसरा के लिए बताओ n1 n2 n3 क्या है, 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इनटू 1 पे पावर 9 और फिर x पे पावर 0, फिर x स्क्वायर पे पावर 2, फिर x3 पे पावर 0, समझ में आया? और दो केस है लिखना, यहाँ पे प्लस लिख के हम इस जगह में लिख देते हैं आप, क्योंकि हमको उधर जगह नहीं मिल रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए तो अब तीसरा केस आपका वहाँ है उसको लिखते हैं, 11 फैक्टोरियल सब में रहेगा, नीचे n1 फैक्टोरियल क्या है 8 फैक्टोरियल,
फिर आपका 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल और इनटू 1 पे पावर 8, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2, फिर एक्स स्क्वायर था उस पे पावर 1, फिर एक्स का पावर 3 था उस पे पावर 0, फिर प्लस फिर क्या करेंगे, एक लास्ट वाला बचा है ना, लास्ट वाला बताएं आप, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू n2 क्या है 4 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, फिर 1 पे पावर 7, x पे पावर 4, एक्स स्क्वायर पे पावर 0 और एक्स क्यूब पे पावर 0, बाकी सब मिटा दें, 1, 2, 3, 4 जो लिखे हैं। फार्मूला भी मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब जरा आप हमें बताइए क्या x का पावर 4 अभी भी आ रहा है, इससे x का पावर कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 4 आएगा, मतलब कोफिशेंट की अगर बात हो रही है तो केवल ये होगा, इसमें भी देखो x का पावर क्या आएगा, 4 आएगा, इसमें भी x का पावर 4 आएगा, इसमें भी x का पावर 4 आएगा, मतलब डायरेक्ट कोफिशेंट्स को जोड़ते जाइए तो कितना आ गया आंसर, देखिएगा इसको 11 फैक्टोरियल को हम लिख रहे हैं, देखिएगा क्या 11 इंटू 9 फैक्टोरियल तक लिखेंगे क्योंकि कट जाएगा ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बस, और नीचे 9 फैक्टोरियल, आप जानते हैं 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, आपको बताया गया है 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है और ये भी 1 ही हो गया, बस कहानी खत्म इतना तक, फिर प्लस, फिर इस 11 को भी हम क्या लिखेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल रहेगा 2 इंटू 1, यहाँ से ये कटेगा भी प्लस, यहाँ से ये भी कटेगा, फिर यहाँ देखिए 11 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 11 इंटू कितना 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 0, प्लस 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, लास्ट बचा हुआ है कितना आपका 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, और नीचे इस 4 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया, ये इससे ये कट गया, ये आया कितना 110 प्लस, यहाँ से कितना आया जी 55, ये कि 2 से 5 कटेगा ना, फिर ये देखिए 2 5 10 बताइए 11 5 55 और 9 का गुना कीजिए 45 49, ये सही है प्लस, ये देखिए 4 2 8 8 से गया और 3 3 9 क्या फिर से 330 आएगा, अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 330 लिखते हैं, फिर नीचे 55 लिखते हैं और उसके नीचे हम लोग 110 लिखते हैं, ऐड करते हैं इसको, कितना आएगा जी 5 5 10 9 1 10 10 3 13 13 5 18 और 1 19, फिर 4 3 7 1 8 1 9, क्या वही आंसर मिला आपको जो 990 लिखे थे पहले, आया समझ में, तो ये भी तरीका है, इसमें क्या है ये आसान है अगर आप थोड़ा सा सोचे तो, लेकिन आपको ये ज़रूर वास्ट लगता होगा, हो सकता है, लेकिन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो इसी मल्टीनोमियल थ्योरम से बनता है,
तो आप ये भी समझ ही गए हैं क्या ध्यान रखना होता है, जिस चीज का कोफिशियंट आपको चाहिए, जिस चीज का को भिन्न से सुन लीजिए, जिस चीज का आपको कोफिशियंट चाहिए क्या करेंगे, उतना पावर जनरेट करेंगे हर एक पावर माने वन हर एक टर्म पे पावर देके जितना पॉसिबल हो सकता है, कोई छूटना नहीं चाहिए और ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। और सारा जो आउटकम्स लिखते हैं आप सेट, वो सारा सेट एक दूसरे से अलग भी होना चाहिए, ये नहीं कि वही केस आप चार बार लिख रहे हो, एक केस हो गया अब वो केस कंसिडर नहीं होगा, दूसरा डिफरेंट अगर होगा तो होगा, जब टोटल पॉसिबल आउटकम्स खत्म हो जाएगा तो छोड़ देंगे जी। तो उस तरह से हम एन वन एन टू एन थ्री एन फोर को डिसाइड करते हैं। ध्यान क्या रखना पड़ता है कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर का वैल्यू जो ये 11 पावर लिखा है उसके बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ जो एक्स पे पावर जाता है वो एक्चुअली एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर जाता है। तो ये जो एक्स पे पावर बने वो जो कोफिशियंट चाहिए आपको वो होना चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे बात को। तीसरा क्या याद रखना है कि n1, n2, n3, n4 होल नंबर होना चाहिए, मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज ओवर करते हैं, आप समय भी आपका ख़त्म हो गया है, नहीं चलिए थैंक यू, इसके बारे में नहीं जानकारी है।